हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे कॉइन के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर बात अगर करते हैं तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कई बार हम किसी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट हम कर देते हैं तो वहाँ से क्या है कि अच्छा खासा बेनिफिट भी हम ले पाते हैं, लेकिन हम पैसा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कभी भी कहीं पे भी पैसा लगाने से पहले क्या है कि उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा भी अगर रिसर्च अगर कर लेते हैं ना दोस्तों, तो देखिए वहाँ पे क्या है कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है अच्छा हो जाता है और रिटर्न भी जो है हमें वहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि कल की वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आगे क्या है कि पर्टिकुलर किसी कॉइन के बारे में क्या है कि हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। सो आज हम आपको बिटगर्ड प्राइस के बारे में हम आपको बताएंगे कि बिटगर्ड प्राइस जो है उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, बिटगर्ड प्राइस आपको क्यों बाय करना चाहिए और आने वाले समय के अंदर वो आपको कितना प्रॉफिट आपको दे सकता है। एक चीज़ और आपको मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप अपना पर्सनल जो है इन्वेस्टिगेशन वो भी आप ज़रूर कीजिए दोस्तों। आप सर्च कीजिए कि किस तरह से इसके अंदर पोटेंशियल है, आपको यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा मैं कि जो ये जो टोकन जो है, ओके, ये टोकन आपका लॉन्च कब हुआ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, लगभग क्या है कि जुलाई 2021 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। अब आज इसको बड़ा सीरियस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो क्या है और उसका पोटेंशियल जो है वो क्या है। देखिए होता क्या है जी, स्टार्टिंग जो होती है हम उस टाइम पे क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं चीज़ों को, लेकिन जुलाई 2021 के अंदर जो कॉइन जो आया और आज सितंबर 2022 चल रहा है, आप ये देखिए दोस्तों कि इसने कितने एक्स का प्रॉफिट दिया है। आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अगर आपने वहाँ पे 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 10,000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट अगर किया होता तो आज आपका वहाँ पे कितना रिटर्न होता। सबसे पहली बात तो ये है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। दूसरा फिर उसके बाद में क्या है कि उसके बाद में आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अगर इनके रोड मैप पे अगर आप देखते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है कि आपको लगभग जनवरी 2025 तक का क्या है कि रोड मैप आपको वहाँ पे दिखाई देगा, जो इनके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट जो हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट भी जो हैं आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भैया अगर 2025 तक भाई कोई भी कंपनी होती है, समझिएगा आप, किसी भी तरह का मैनेजमेंट क्यों ना हो, अगर वो कोई रोड मैप अगर बनाता है, ठीक है, जहाँ तक का वो रोड मैप बनाता है, समझिएगा इस चीज़ को, तो वहाँ तक तो क्या है कि वो बहुत कुछ चीज़ें दिखाता है। और आज अगर हम बात करते हैं बिटगर्ड प्राइस के बारे में, तो आप खुद समझिए ना, हर रोज़ डेली एक नई लिस्टिंग हो रही है, ओके, डेली नए प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं और इनकी टीम की अगर बात अगर करते हैं तो दोस्तों वो काम कर रही है, ओके। इसके अंदर पंप हो रहा है या नहीं हो रहा है वो एक अलग मैटर है, पंप तो देखिए बिटकॉइन के अंदर भी नहीं हो रहा, ओके, मदर करेंसी है, समझिएगा, बिटकॉइन के अंदर भी नहीं हो रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो खराब है, ओके। डेली का डेली आपको यहाँ पे क्या है कि अपडेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अच्छा ये काम कर रहे हैं और इनका जो प्रोजेक्ट जो है वो इन फ्यूचर क्या है कि अच्छा खासा हमें रिटर्न देगा। वो क्यों देगा वो हमें आज क्या है कि समझना है। अगर आज के अगर करंट प्राइस की अगर बात अगर करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.6 × 0 के बाद में 55 जो है इसका यहाँ पे प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, 3.7% जो है आपको प्राइस डाउन दिखाई दे रहा है। अगर कोई मार्केट कैप पे अगर रैंकिंग का बात अगर करते हैं तो 223 जो है दोस्तों इसका रैंकिंग है, समझिएगा चीज़ों को, ओके। पहले क्या हुआ कि वेरीफाई हुआ, उसके बाद में इसका रैंक जो आया वो जो आप देख सकते हैं कि 223 जो है इसका यहाँ पे रैंक दिखाई दे रहा है और BEP20 के ऊपर क्या है कि ये अभी रन कर रहा है। सो दोस्तों हमें क्या है कि ये भी देखना चाहिए कि भैया किस ब्लॉकचेन के ऊपर ये काम कर रहा है, ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओके। और इनके बाद में आपको यहाँ पे बताएंगे कि अगर बात अगर करते हैं जी आज प्राइस चेंज के बारे में, तो प्राइस चेंज आप देख चुके हैं भाई, 3.4% क्या है कि इसका प्राइस जो है ये डाउन आया है। और दूसरा ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर बात अगर करते हैं, 0.75% जो है इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। मार्केट डोमिनेंस अभी नहीं बना है, इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर हो रही है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो रही है, एंड आई होप कि बहुत ही जल्दी क्या है कि इसके अंदर मार्केट डोमिनेंस भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको क्या है कि इसका रिसर्च जो है आपको ज़रूर करना है, और आज आप अगर ये समझ गए कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है क्यों करना है, तो आने वाले समय के अंदर आप अच्छा खासा जो है बेनिफिट आप यहाँ से कमा सकते हैं। अब इसके बाद में समझिए दोस्तों, यहाँ पे आपको
दे रखा है भैया 30 डे का लो एंड हाई जो है वो आपका क्या रहा, 90 डे का लो एंड हाई आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल टाइम हाई की अगर बात अगर करते हैं तो आप ऑल टाइम हाई भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.5x0404 13 अगस्त 2021, समझिएगा 13 अगस्त 2021 जुलाई के अंदर एक प्रोजेक्ट रन होता है और फिर उसके बाद में अगस्त के अंदर ही क्या हुआ उसके अंदर इतना बड़ा आप पंप देख सकते हैं। समझिएगा दोस्तों, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आज की अगर बात अगर करते हैं तो आज ये क्या है कि लगभग 86% जो है ये डाउन है ऑल टाइम हाई से। सर्कुलेटिंग सप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल सप्लाई आप देख सकते हैं। मैं बिल्कुल 101% समझता हूँ कि जी इसका जो टोटल जो सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, बट लेकिन बर्निंग जो है इसका वो होता रहता है और बर्निंग का अपडेट जो है हर एक घंटे के अंदर क्या है कि आपको बर्निंग का इसका अपडेट आपको ट्वीट के थ्रू मिलता रहता है। वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या है कि बर्निंग का इसका ट्वीट आपको मिलता है। अब इसके बाद में समझिएगा एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग के बारे में कि भैया किस किस एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट आपका कॉइन। तो दोस्तों एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग होना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए हर एक्सचेंज का क्या है कि एक पर्सनल एक अपना कम्युनिटी होता है और उस कम्युनिटी को जब मिलता है कोई भी कॉइन क्यों ना हो, अगर पॉपुलर कॉइन अगर है तो लोग क्या करते हैं उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और भैया बिटगट ब्राइस तो एक ऐसा कॉइन हो चुका है आज कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। लगभग अगर लगा के चलिए आप हर जो मान लीजिए इन्वेस्टर जो है जो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे उसने अपना 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रखा हो लेकिन बिटगट ब्राइस के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़रूर कर रखा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यू कॉइन, गेट डॉट आईओ, एमएक्सी, एल बैंक, पैनकेक स्वैप, ये अलग अलग आपको क्या है कि आपको दिखा रखे हैं भाई ये आपका BUSD के अंदर या USDT के अंदर किस तरह से किस करेंसी पेयर के अंदर भी क्या है कि ये ट्रेड कर रहा है। सेकंड BTC अभी इसका लेटेस्ट न्यूज़ आया था, बिटमार्ट, XT.com और इसके बाद में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं AAX और बिकोनोमी है, बिटफोरेक्स है, बायोबॉक्स है, ला टोकन है, तो इस तरह से क्या है कि बिटवेल भी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लगभग 23 यहाँ पे दिखा रखे हैं कि भैया इन एक्सचेंज के ऊपर आपका बिटगट प्राइस जो है यहाँ पे मिल रहा है और जो भी करेंसी पेयर है वो करेंसी पेयर भी क्या है कि यहाँ पे दिखा रखे कि भैया इस करेंसी पेयर के अंदर क्या है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हर एक्सचेंज के ऊपर क्या है कि आपको जो प्रॉपर जो डाटा जो है वो दोस्तों वो आपको प्रॉपर डाटा आपको मिलेगा कि कितना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो आप सभी चीज़ें जो है वहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर क्या है कि ये सभी चीज़ें पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगा, लेकिन हर एक्सचेंज का अगर आपको डाटा अगर चाहिए है तो आप वहाँ पे जाके क्या है कि चेक आप कर सकते हैं, डाटा आपको मिल जाएगा कि भैया इसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट है। एक चीज़ और आपको मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि भैया होल्डर्स इसके कितने हैं, ठीक है, तो होल्डर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग ये लगा के चलो आप 1,67,992 इसके होल्डर हैं और उनमें से क्या है कि लगभग 1,000 जो टॉप जो होल्डर हैं आपको देखना चाहिए, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। जब आप इसको देखेंगे कि भैया 1,000 होल्डर जो हैं उनमें क्या है कि कुछ एक्सचेंज भी आपको मिलेंगे जिन्होंने क्या है कि भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रखा है, $2,00,000 क्या है कि इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। सो दोस्तों ये कॉइन आज जब इसके बारे में रिसर्च किया तो उसके बाद में पता चला कि भैया हम जो मान लीजिए 10,000-15,000 रुपये लगा के जो हम ये सोचते हैं कि यार हम यहाँ से क्या है कि अच्छा खासा बेनिफिट कर लेंगे, ठीक है, करोड़पति हम यहाँ से बन जाएंगे, तो देखिए ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, हर चीज़ों के अंदर टाइम लगता है। अगर मान लीजिए 2x 3x का भी अगर प्रॉफिट अगर देखता है तो वो भी एक क्या है कि बहुत बड़ी बात है। अगर इंडियन फाइनेंस सेक्टर की अगर बात अगर करते हैं तो भैया 10 से 12 साल के अंदर पैसा हमारा डबल होता है, तो ये चीज़ें जो हैं हमें बिल्कुल समझनी होगी। ओके, तो इसके अंदर क्या है कि भैया लगभग 1,000 जो होल्डर जो है आप जब डाटा जो आप देखेंगे, और मैं आपको ये कहूँगा दोस्तों डाटा जो है आप ज़रूर देखिए ताकि आपको पता लगे भैया किस किस पार्टी ने, किस किस वेल्स ने, किस किस एक्सचेंज ने कितना कितना पैसा जो है यहाँ पे लगा रखा है। आपको डाटा मिलेगा पूरा का पूरा कि कितना जो इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रखा है दोस्तों। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे दोस्तों ये जो आपका बिटगट प्राइस जो है ये किस किस प्रोजेक्ट के अंदर आपका काम करता है। डेफी प्रोजेक्ट के अंदर ये आपका काम करता है, NFT के अंदर काम करता है, Web 3.0 के अंदर ये काम करता है, मेटावर्स के अंदर आपका ये काम करता है। सो दोस्तों जिस जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपका काम करेगा उस प्रोजेक्ट की जो कम्युनिटी जो है वो उसको अडॉप्ट करेगी। ओके, और उसको अगर अडॉप्ट अगर करेगी तो सीधी सी बात है भैया उसका पॉपुलरिटी जो है वो और भी ज़्यादा होगा।
सो दोस्तों इस तरह से क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका पॉपुलरिटी जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज क्यों हो रहा है। अब सबसे बड़ा जो सवाल जो आता है वो ये आता है कि भैया बर्निंग, अगर इतनी अगर क्वांटिटी अगर होती है तो सीधी सी बात है भैया, अगर जब तक अगर बर्निंग अगर नहीं होगी ना तो प्राइस नहीं बढ़ेगा, चाहे कुछ भी न्यूज़ आए कुछ भी हो। भैया प्राइस किसी भी चीज़ का कब बढ़ता है, जब मान लीजिए उसका क्वांटिटी जो है कम हो, या फिर आप उसको सिंपल शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि भैया जब उसका डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो सप्लाई है 1000 ट्रिलियन क्या है कि यहाँ पे आपको टोटल सप्लाई आपको यहाँ पे दिखा रखा है, और बर्निंग की अगर बात अगर करते हैं तो बर्निंग आप यहाँ पे देख सकते हैं 572.94 ट्रिलियन जो है इसका यहाँ पे बर्निंग हो चुका है, यानी कि 57% जो है बर्निंग यहाँ पे हो चुका है। सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको यहाँ पे दिखा रखा है। हर एक घंटे के अंदर क्या है कि ट्वीट आता है और उसके अंदर आपको बताया जाता है कि भैया इसका बर्निंग जो है वो कितना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बोटगार्ड जो है, आप इसको क्या है कि फॉलो कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर, और फिर इसके बाद में क्या है कि अपडेट जो है आप यहाँ पे ले सकते हैं, भैया एक दिन के अंदर कितना हुआ है, 1 वीक के अंदर कितना हुआ है, 1 मंथ के अंदर कितना हुआ है, तो सारा का सारा जो डाटा जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है। एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, मैं जब से ये कॉइन लॉन्च हुआ है, समझिएगा जब से ये कॉइन लॉन्च हुआ है और इसका टोटल जो सप्लाई जो था वो टोटल सप्लाई में से, जैसे कि डेली यहाँ पे बता रखा है कि भैया आपका जो मान लीजिए बर्निंग जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग इन्होंने बता रखा है भाई लगभग 54,24,09,233 आपको यहाँ पे दिखा रखा है भाई, इतना जो है यहाँ पे बर्निंग होता है। तो आपको क्या करना है जी, सिंपली क्या है कि अपना एक कैलकुलेशन करना है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से, समझिएगा उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको क्या करना है जी, आपको एक साल का क्या है कि टारगेट आपको यहाँ पे लगाना है। अगर इसी रेशो के हिसाब से अगर इसके अंदर अगर बर्निंग अगर होता है तो फिर उसके बाद में इसका प्राइस जो है वो क्या होगा, क्योंकि लॉन्चिंग से लेके अगर आज तक की अगर बात अगर करते हैं तो आप सिंपल सा एक कैलकुलेशन कीजिए कि भैया अगर डेली अगर इतना अगर हुआ है बर्निंग और उसके बाद में आज तक इसका इतना बर्निंग हो चुका है, और प्राइस के अंदर अगर बात अगर करते हैं तो भैया इतना इसका इंक्रीज हो चुका है। ये जो कैलकुलेशन जो है ना दोस्तों, ये आपको 101% आपको करना चाहिए, जिससे क्या है कि आप एडजेक्ट इसके अंदर क्या न्यूज़ आती है क्या नहीं आती है, पब्लिक क्या कहती है, ये चीज़ें एक बार भूल जाइए। आप ये देखिए कि भैया बर्निंग जो है वो कितनी ज़्यादा हो रही है, और एक साल के अंदर मान लीजिए 2023 की अगर बात अगर करते हैं तो 2023 के अंदर इसका बर्निंग जो है वो कितना होगा, ये क्या है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद में आपको पता लगेगा कि भैया इसका प्राइस जो है आपका यहाँ पे कितना जा सकता है, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है दोस्तों कि 2023 के अंदर क्या है कि ये अच्छा खासा जो है यहाँ से रिटर्न दे। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ मैं जो चीज़ें जो देखता हूँ वो देखता हूँ जी इसका बर्निंग का, और दूसरा ये प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा प्रोजेक्ट है, और इनके जो आने वाले जो प्रोजेक्ट जो है ना वो भी क्या है कि काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट है दोस्तों। जब आप इसका रोड मैप आप चेक करेंगे तो वहाँ पर क्या है कि सब चीज़ें आपको वहाँ पर समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं बिटगर्ड प्राइस की हर रोज़ एक नई अनाउंसमेंट आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिप्टो रूबिक के साथ में क्या है कि इन्होंने पार्टनरशिप किया। सो दोस्तों ये क्या है कि ये छोटी बातें नहीं है, मैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझता हूँ एज ए यूट्यूबर। अगर हर रोज़ अगर आपको एक वीडियो भी बनाना पड़ता ना भैया, तो कम से कम 3 से 4 घंटे का तो रिसर्च आपको 101% आपको करना पड़ता है। ओके, तो उसके बाद में क्या होता है जी कि आप एक वीडियो बना पाते हैं, और बात अगर करते हैं जी किसी के साथ में पार्टनरशिप की या किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग की, तो भैया देखिए मेरा ये मानना है ये सच में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसके पीछे क्या है कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, फिर जाके क्या है कि किसी के साथ में आपका पार्टनरशिप होता है। तो ये चीज़ें जो है दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। मेन तो ये है कि भैया इसका बर्निंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, और फिर उसके बाद में अगर बात अगर करते हैं कि भैया पार्टनरशिप जो हो रही है या फिर मान लीजिए लिस्टिंग जो हो रही है वो सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, वहाँ पे क्या है कि एक और यहाँ पे अनाउंसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसेंटिव आईओ क्या है कि यहाँ पे इनके साथ में भी क्या है कि इन्होंने पार्टनरशिप किया है दोस्तों। सो अपडेट की अगर बात अगर करते हैं तो भैया अपडेट जो है अच्छी खासी इसके अंदर आ रही हैं, और कम्युनिटी की भी अगर बात अगर करते हैं, इन्वेस्टमेंट की भी अगर बात अगर करते हैं तो वो भी चीज़ें आ रही हैं। यानी कि डेली क्या है कि आप ये भी चेक कर सकते हैं कि भैया कितना जो है पैसा इसके अंदर आ रहा है। अगर आप एक्सचेंज वाइज अगर चेक अगर करना चाहते हैं तो भैया एक्सचेंज वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, कोइन मार्केट कैप पे जाइए फिर उसके बाद में एक्सचेंज देखिए। किसी भी एक्सचेंज का अगर आपको डाटा अगर आपको चेक अगर करना है, आज का मान लीजिए डाटा क्या है कि आपने रीड किया, उसके बाद में क्या है कि नेक्स्ट डे आप डाटा आप दोबारा रीड कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि भैया इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर कितना हुआ है।
अब इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल आपको यहाँ पे बताएंगे भैया, 3 घंटे पहले ही यहाँ पे ट्वीट आया है, वो ट्वीट आप यहाँ पे देख सकते हैं। BTC एक्सचेंज के ऊपर भी क्या है कि ये आपका लिस्टिंग का इसका यहाँ पे अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ है, और इसी वजह से क्या है कि इसके अंदर क्या है कि एक पोटेंशियल लगता है, इस कॉइन के अंदर क्या है कि एक पोटेंशियल लगता है। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि भैया क्रिप्टो मार्केट का बुरा हाल है, बावजूद उसके क्या है कि इतना अच्छे तरीके से अगर कोई काम अगर कर रहा है, समझिएगा। और आज तक क्या है कि जी हमने तो कभी भी ये भी चीज़ें नहीं देखी थी कि भाई मोटर इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि इन्वेस्टमेंट अगर कोई करता है तो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भैया इन्होंने क्या है कि मोटर इंडस्ट्री के अंदर भी क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। सो दोस्तों नई नई चीज़ें क्या हैं कि इसके अंदर हर रोज़ निकल के सामने आती हैं, एंड आई होप कि इसके अंदर क्या है कि अच्छा खासा प्रॉफिट जो है हमें देखने को मिल सकता है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही सजेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, हर रोज़ कोशिश करेंगे कि आपको एक बढ़िया वीडियो आपको यहाँ पे बना के दें, एक पर्टिकुलर किसी कॉइन के बारे में आपको वीडियो आपको बना के दें, और अपनी तरफ से क्या है कि पूरा 101% कोशिश किया जाएगा कि अच्छा खासा नॉलेज उस कॉइन के बारे में आपको दिया जाए। बट लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूँगा मैं कि अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या है कि दोस्तों आप वहाँ पर रिसर्च जरूर कर लीजिए। आपको जो भी कॉइन बताए जाते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो हमारा होता ही है, 101% इन्वेस्टमेंट होता है जी, ओके। और कोई भी इन्वेस्टर दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जिसका लॉस नहीं होता। सो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूबर आपको कोई कॉइन बताता है तो उसी के अंदर प्रॉफिट हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल अगर आप अगर कोई कॉइन बताएं तो उसके अंदर प्रॉफिट हो जाए, और क्या पता जी यूट्यूबर बताए उसके अंदर ना हो। सो रिसर्च जो है सभी का अपना अपना होता है। आई होप कि आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो अगर किसी पर्टिकुलर कॉइन के बारे में आपको चाहिए है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।